हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए और लेटेस्ट शिफ्ट में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नया अपडेट आप सभी के सामने आ गया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे फ्रेंड्स जो वर्ग था मणिकर्णिका घाट का रीडेवलपमेंट का, वो मैंने कल के डेट में दिखाया था कि आप सभी को कितना काम हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि कुछ थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा है और काफ़ी स्लोली काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि धूप काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर उतना जल्दी से काम होता भी नहीं है। गवर्नमेंट काम है, थोड़ा धीरा होता है, समय अवधि से हो जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नींव यहाँ पे भरा गया था, राजा बलदेव का बिरला हाउस जो बना था, वो हटाने के बाद यहाँ पे 68 करोड़ की लागत से इस घाटों का जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो हो पा रहा है। क्योंकि देखिए कैसे ईंटें को ये सब बिखरा पड़ा है, यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स के जो छड़े हैं वो हटाई गई हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा जो मलबा है वो पूरा हट कर यहाँ पे आ चुका है, और सामने चिमनी दिखाई दे रही है, वहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। जो ऊपर का टीना था, करकट था, वो सब हटाया जा चुका है, और उस वहाँ पे जो कार है वो काफ़ी प्रगति पे है, चल रही है। देखिए किस तरीके से जो कार है काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ा हुआ है। देखिए ये जितने भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं सभी को, ये सभी पत्थर उखाड़ कर यहाँ पे जो वर्क प्रोसेस है वो जारी है। सामने सतवा बाबा आश्रम देखते हैं पूरा, और इधर विश्वनाथ मंदिर देख सकते हैं। फ्रेंड्स आइए सभी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इस साइड, इधर विश्वनाथ मंदिर। ये पूरा रैंप है जिसके अंदर से आने पे धूप वगैरह नहीं लगता है। चले चलें तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और यहाँ पे जब ये वर्क हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत ये घाट लगेगा। जैसा कि आप सभी ने खिरकिया घाट देखा होगा, अभी फिलहाल में बन रहा है रामनगर का घाट, शास्त्री घाट, वहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत घाट बन रहा है फ्रेंड्स। तो वैसे ही कुछ चेंजेस करके यहाँ पर भी बनाया जाएगा, जो कि आप सभी के सामने देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। ये बोर्ड लगा दिया गया है, वर्क इन प्रोसेस ब्रिस्टिज इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। इन्हीं को मिला है ब्रिस्टेक की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है, जो कि वहाँ पे कार है वो आरंभ है। ये विश्वनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं साइड पूरा, और ये पूरा रैंप है जिसके अंदर से अभी जाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए पूरा जर्मन हैंगर लगाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे ग्लूकोज का जो घोल है वो दिया जा रहा है। ये देखिए पाइप के माध्यम से यहाँ पे आ रहा है, फिर ग्लूकोज का घोल जो है वो घोल कर भक्तों को पिलाया जा रहा है कि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है बूस्ट हो, बढ़े, जिसके कारण वो लोग अचेत ना हो, परेशान ना हो। ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का घोल रखा गया है, इसमें ग्लूकोज डाल के पानी दिया जा रहा है। IDFC बैंक की तरफ से ये सेवा लगी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर का ये द्वार, आप डोर देख रहे हैं, तो विश्वनाथ टेम्पल का ये द्वार, और उधर मणिकर्णिका घाट का यूँ कह सकते हैं श्री काशीनाथ कॉरिडोर का ये तीसरा जो कार्य का प्रति है वो स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। देखिए ढेर सारे भक्तों के लिए जो मंदिर ट्रस्ट है उनके तरफ से ये जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी कड़ी धूप है, चिलचिलाती धूप हो रही है। तो इसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे सभी शिव भक्तों को एक लगाया जा रहा है सुविधा के लिए। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग जहाँ ट्रेवल्स एजेंट हैं,
उनके माध्यम से कई तरह से लोग आते हैं। तो जर्बन हैंगर लगने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोग विश्राम करने लगे हैं, देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसको लगाने में कम से कम 2 दिन का 3 दिन का टाइम लगा है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी बड़े में ये जर्मन हैंगर लगाया गया है। ये दूसरे बार लग चुका है, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ललिता घाट पे ये जर्मन हैंगर लगने के बाद कितनी खूबसूरती से लोग बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं। अब इसके नीचे एक दरी चाह रहा है, जो कि जब से भक्त दर्शन करेंगे तो वो लगाया जाएगा। काफ़ी भीड़ भक्कड़ बढ़ रही है, आज संडे है तो काफ़ी कम लोग हैं। धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पे। देखिए कितने लोग यहीं सो भी गए हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद वो थक से जाते हैं। और काशी आने के बाद लोग जा नहीं चाहते, जाने का मन नहीं करता। तो जर्मन हैंगर में कितनी तेज़ी से लोग समाहित हो चुके हैं, कितने लोग विश्राम कर रहे हैं। देखिए अब अचेत होकर जो गिरने का मैटर था वही समाप्त कर दिया गया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। देखिए कैसे सोए हुए हैं। निद्रा ऐसी चीज़ है कि कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। यहाँ के जो स्टॉप्स हैं उनके तरफ से ये देखिए साफ़ सफाई जारी है, तो साफ़ सफाई भी जारी है। उसके बाद विश्राम भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम चल रहे हैं विश्वनाथ द्वार के अंदर मंदिर की तरफ और दिखा रहे हैं आप सभी को पूरा नज़ारा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी सहायता ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, कुछ कोई भी जानकारी पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का गुट पूरा आ चुका है। ये देखिए पूरा विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, आगे चप्पल ही उतारा जा रहा है। तो ये फ्रेंड देखिए पूरी तरीके से रेलिंग वगैरह का सब सुविधा यहाँ पे हो गया है। जर्मन हैंगर अंदर भी लग चुका है, काफ़ी लोग विश्राम कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स लॉकर में देखिए चप्पल भी यहाँ उतार जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लोग दर्शन के लिए प्रसाद लेकर जा रहे हैं। सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंटर एक तरह से बनाया गया है, जो जानकारी सभी भक्तों को मिल रहा है। देखिए काफ़ी लोग थके हैं, यहाँ भी अभी पंखे का इंतज़ाम किया जाएगा। ग्लूकोज युक्त जो जल था वो देने का यहाँ प्रावधान था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो थक चुके हैं। विश्वनाथ मंदिर का द्वार देखिए सभी लोग थक चुके हैं यहाँ पे दर्शन करने के उपरांत।
कुछ लोग पहले ही दर्शन कर ले रहे हैं और उसके बाद आराम कर रहे हैं फ्रेंड्स। कितने लोग यहाँ पे खो जा रहे हैं तो कितने लोग का चप्पल खो जा रहा है। तो ये पैदल जाने का मार्ग, हम लोग चलेंगे लिफ्ट से। लिफ्ट तो ये है लिफ्ट, और लिफ्ट 140 सीढ़ी, एस्केलेटर, एस्केलेटर। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं बिना किसी मेहनत के, सीढ़ी ने हमें ऊपर ला दिया। यहाँ पे देखिए त्र्यंबके मल्टीपर्पज हॉल है, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी इनोग्रेशन हो उसमें कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो जर्मन हैंगर जो है फ्रेंड्स वो हर जगह लग चुका है। ये देखिए जगह फैन लगाने का जो काम है वो भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर के अंदर बहुत सारा जो वर्क है वो बहुत ही तेज़ी के साथ किया जा रहा है यहाँ पे। तो विश्वनाथ मंदिर में हर जगह जर्मन हैंगर लगाया जा चुका है, शिव भक्तों को कोई भी चिड़चिड़ाती धूप परेशान ना कर पाए इसी की वजह से। और अंदर भी लग चुका है फ्रेंड्स। ये देखें गेट नंबर एक, विश्वनाथ मंदिर का शिखर।